What is Jugaad? Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction, was said by Albert Einstein. Einstein ka quote hame batata hai ki jugaad us samasya ka samadhan hai jo kam kharche mein, kam time mein aur kam resources se desired results de sakta hai. All you need is the courage to move in the opposite direction. So simply put, Jugaad is an intelligent genius. Before we start, 66.46 Indians stay in the villages. मतलब हर तीन इंडियंस में दो इंडियंस गांव से है. गांव मतलब जहां लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर बाबा आजम के जमाने में जीते हैं, राइट? तो जनरली होता यह है कि सिटीज के यूथ स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्वालिटी लर्निंग पे ध्यान देते हैं जो उन्हें हाई पेइंग जॉब्स दिला सके ताकि वो बेटर लाइफस्टाइल अचीव कर पाए. वही गांव के यूथ अपने स्किल्स आजमा के सिटीज में जॉब्स की तलाश में माइग्रेट करते हैं और वही सिटी यूथ सर्कल में फिट हो जाते हैं. बट रिमेम्बर आइंस्टाइन, जुगाड़ू हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं. लेट्स ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स. हम आपको कुछ ऐसे गांव से मिलाते हैं जो साइंस की मदद से कुछ सिटीज के भी आगे निकल गए हैं. वेलकम टू द सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस, वर्धा इन महाराष्ट्र. सीएसवी एक ऐसी जगह है जो नेशनल लेबोरेटरीज को ग्रामीण संस्थानों से जोड़ती है. यहाँ पे इन्होंने कुछ हनी बी हार्वेस्टिंग के जुगाड़ किए हैं जो सालाना अराउंड 52,000 तक का पैसिव इनकम दे सकता है. Want to know how? इस बॉक्स के अंदर सैकड़ों छोटी छोटी मधुमक्खियां रहती है. आप इस बॉक्स को गार्डन में, टेरेस पे, खेतों में, जहां से मधुमक्खियां नेक्टर की तलाश में घूम सकती है, ऐसे किसी भी जगह पे रख सकते हैं. ये घर है एपिस सेरेना इंडिका और एपिस मेलिफेरा नाम की मधुमक्खियों का. ये मधुमक्खियां इस छोटी विंडो से अंदर जाके फूलों से कलेक्ट किया हुआ नेक्टर इन वुडन ट्रेज पे जमा करती है. महीने में एक बार इन ट्रेस से शहद जमा किया जा सकता है विदाउट इवन हार्मिंग द बीज. द नेक्स्ट मंथ हनी बीज आर रेडी टू कलेक्ट मोर नेक्टर. ये जुगाड इतना इफेक्टिव है कि ये सिर्फ शहद ही नहीं पर आपकी खेती का उत्पादन भी बढ़ाता है. मधुमक्खियां डिपेंड करती है खेतों पे और खेत बढ़ते हैं मधुमक्खियों से. इजंट दैट इंटरेस्टिंग? एक पिटी का साल भर में 40 से 50 किलो शहद का उत्पादन होता है और 40 से 50 किलो अगर शहद का उत्पादन होता है तो दो बॉक्स अगर रखे तो कम से कम साल भर में 100 किलो शहद मिलेगा और 100 किलो शहद अगर बेचे 200 रुपये हिसाब से तो 20,000 का आराम से होता है. कुछ मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ पे होते हैं. इनसे हार्मलेस तरीके से हनी निकालने के लिए सीएसवी ने बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव स्टिंग सेफ्टी सूट्स, रोप लैडर्स और कुछ यूनिक इम्प्लीमेंट्स भी बनाए हैं. ये एक वाटर एमिटर है. इसके एक सिरे को रबर के ट्यूब से और दूसरे सिरे को वाटर सोर्स से कनेक्ट करते हैं. ये एमिटर्स अगर प्लांट्स के रूट्स के पास लगाए जाए तो सक्शन फोर्स से जितनी जरूरत उतना ही पानी सोख के रूट्स तक पहुंचाते हैं. इससे पानी की बचत तो होती ही है मगर समर्स के वक्त ये जुगाड़ काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स दे रहा है. बड़े पौधों के लिए इन स्पेशल ईंटों को बनाया जाता है. वेलकम टू दिस वंडरफुल सैनिटेशन पार्क. यहाँ का नजारा कुछ अलग ही है. सीएसवी ने पिछले कुछ सालों में 10 से ज्यादा यूनिक और कॉस्ट इफेक्टिव टॉयलेट्स के डिजाइन्स बनाए हैं. इनमें 2 सर्कुलर टैंक्स टेक्निक, 1 कंपोस्ट पिट टेक्निक और ऐसे कई टेक्निक्स यूज किए गए हैं. इनमें द क्यूटेस्ट टॉयलेट अवार्ड जाता है आंगनवाड़ी टॉयलेट्स को. इसमें टॉयलेट्स की हाइट आंगनवाड़ी के बच्चों के हाइट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि छोटी सी जगह में कम खर्चे में किड्स टॉयलेट्स बने. हमने ये मॉडल विकसित किया बाय प्रैक्टिकल, उसको
को यूज करके कम से कम पानी वाला, कम से कम जगह में बैठने वाला, काफी इसके सारे प्रयोग करके हमने इसको बैठाया। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के गांव में ये मॉडल रेप्लिकेट हुए हैं और काफी सक्सेसफुल रहे हैं। रूरल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो सिर्फ ह्यूमन से नहीं, हमारे प्रिय बैल भी रूरल टेक्नोलॉजी के बेनिफिशियरीज हैं। यह बुलक कार्ट कोई विंटेज डिजाइन नहीं, ये तो वर्धा टेक्नोलॉजी का मॉडर्न डिजाइन है, जिसमें व्हील्स पे मॉडर्न गियर डिजाइन और ब्रेक सिस्टम्स बनाए गए हैं। ट्रेडिशनली बैलों के नाक से मांझे रोप को खींचकर बैलगाड़ी रुकती थी, मगर इस मॉडल के वजह से रोप्स बैलों को नहीं बल्कि व्हील्स को रोकने के लिए बनाए हैं। नाइस। गौरी, देयर इज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड देवलापार नियर पेंच टाइगर रिजर्व इन नागपुर। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नॉन मिल्किंग काउस और स्लॉटर हाउसेस से रेस्क्यू किए गए गोवंश को अडॉप्ट करता है। यहाँ पे गायों को नाम और रोल नंबर से पुकारा जाता है। गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र पंचगव्य प्रोडक्ट्स यानी गोबर, दूध, गोमूत्र, घी और दही से फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ गोबर, मिट्टी और सूखी नीम पत्तियों को केचुए के साथ 2 महीनों के लिए सड़ाया जाता है and that turns into a high quality vermicompost. Compost खाद के लिए यहाँ और एक टेक्निक यूज की जाती है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, मड, काउ डंग, इन चीजों के पाइल्ड लेस बनाए जाते हैं एंड इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स दिस टर्न्स इनटू अ नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट फर्टिलाइजर। यानी जिस मिट्टी में किसी प्रकार कोई भी कंटेंट नहीं है, मतलब फसल देने से वो मना कर देता है, उसमें भी कंटेंट आ जाता है, वहां पौधे बनते हैं। इन सबसे एक्सट्रैक्ट होने वाला पोटेंट लिक्विड 100th पोर्शन से डाइल्यूट करके फसल पे इंसेक्टिसाइड्स बन के इस्तेमाल होता है। गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र CSIR, NBRI, ICAR, IIT, VNIT ऐसे 40 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। यहाँ आयुर्वेदा और मेडिसिनल साइंस के काफी प्रयोग किए जाते हैं। डिस्टिलेशन जैसे सिंपल टेक्निक्स के इस्तेमाल से गोमूत्र अर्क, तक्रारिष्ट, लक्षाधि तेल और ऐसे कई औषधि यहाँ पर बनाई जाती है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए यहाँ पे हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स के माध्यम से इम्प्योरिटी की जांच की जाती है। फिर सीलिंग प्रोसेस के बाद बॉटल्स आर रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। कॉस्मेटिक्स, धूप स्टिक्स, सोप्स जैसे कई प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं। एवरीथिंग मेड हियर इज नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड हाईली प्रॉफिटेबल। फिलहाल यहाँ पे सिट्रोनेला ऑयल के लिए मशीन इंस्टॉल कर दी गई है और ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। कुछ जुगाड़ काफी लोगों को जॉब्स भी देते हैं। फिर गांव के लोग बेटर लाइफस्टाइल के लिए शहर न जाके गांव में ही अपलिफ्टमेंट का साधन बना लेते हैं। शहरों में माइग्रेट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है जॉब्स। क्यों ना गाँव में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करके यही के लोगों को जॉब्स दी जाए, जिससे गांव में जॉब्स भी मिले और रेवेन्यू भी जनरेट हो। इस सोच को आगे लेते हुए डॉक्टर पेशवे और डॉक्टर पडोए ने 10 मशीन्स बनाई हैं। ये मशीन्स खेती के साथ साथ और भी बिजनेसेस से पैसा कमाने के हेतु बनाई गई है। गांव की प्रगति ग्रामवासियों की प्रगति पर निर्भर है। कहते हैं बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी। अगर कोई जुगाड़ गाँव के बारे में हमारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर सकते हैं तो व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग देम आउट। हियर्स टू द चेंज मेकर्स। Challenges are in the villages and so are the opportunities.